हाय फ्रेंड, वेलकम टू फैन रिएक्ट। हम देखते हैं जानी दुश्मन मूवी और ये होने जा रहा है इसका पार्ट नंबर 9। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। विजय विजय I'll kill you, damn it! मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। I swear I'll kill you. सपना था। What happened, Vijay? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ। What is the matter? क्यों इतना शोर कर रहे हो विजय? सर, मैं इतने स्टूडेंट्स के सामने कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन वो फिर मेरे सामने आया था सर। विजय, तुम्हारी इस तरह की हरकत से क्लास का माहौल खराब होता है। प्लीज डोंट रिपीट सच बिहेवियर। सर, ये आप कह रहे हैं? जो अच्छी तरह जानते हैं हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इफ यू कैनॉट बिहेव प्रॉपरली देन प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त मिस्टर ओबराय के बेटे राजू से करूंगा। कल तक तो आप मेरी शादी विजय के साथ करने के लिए तैयार थे पापा, फिर आज अचानक आपका फैसला क्यों बदल गया? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी वक्त से पहले ही विधवा हो जाए। आप उस वक्त क्या करते डैडी, अगर आज विजय के साथ मेरी शादी हो चुकी होती? पर बेटी शादी हुई कहाँ, जो रिश्ता बना ही नहीं। मैं उसके बारे में तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। तो आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ विजय के साथ और किसी के साथ नहीं। बॉक्सिंग में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं? राजू, आज बॉक्सिंग में विजय से तुम्हारा कॉम्पिटिशन है। बॉक्सिंग में ऐसी जगह भी तो चोट लग सकती है जिससे सामने वाले की मौत हो जाए और कोई पुलिस केस भी ना बने। एंड दिस फाइट विल बी बिटवीन राजू एंड विजय। राजू शाबाश, चल चल मेरे शेर, मेरे बहादुर शेर।
अरे तू बचित्तर सिंह का चेला है, अनडिस्प्यूटेड विनर। देख मोहम्मद अली तो रिटायर हो चुका है और माइक टाइसन उसका एक पांव बाहर और दूसरा जेल में, और मैं तो आजकल बॉक्सिंग करता नहीं क्योंकि मुझे बॉक्सिंग से चीखें आ जाती हैं, और हम तीनों के सिवाय कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो तेरे सामने आने की हिम्मत कर सके। फट्टे छट्टे चक देंगे, मार के मुक्की दब देंगे। वो ऐसे कूड़ने से चैंपियनशिप नहीं जीती जाती। वो आपका बंदा किधर है? सर विजय अभी तक नहीं आया। सर विजय ने आने से साफ इनकार कर दिया है। यस सर। तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि आज जो भी मैं तुमसे मांगूंगी तुम मुझे जरूर दोगे। ऐ, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर खत्म होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम कुछ मांगना चाहती हो तो मांग लो, जान भी हाजिर है। विजय मैं चाहती हूँ कि आज की बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुम लड़ो। इम्पॉसिबल, नो वे, मैं चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लूंगा। ओ विनर अनाउंस करो, जल्दी करो भाई। बॉयज एंड गर्ल्स, पैनल ऑफ जजेस ने ये डिसीजन लिया है कि द विनर इज ठहरो। आई एम विलिंग टू फाइट। क्या नाटक बाजी? ओहो ये नाटक हारने के बाद कर लेना भाई। क्या कर रहे भाई? और सुन, जब वो राइट पंच मारने के लिए हाथ उठाए लेफ्ट पंच से उसके दांत तोड़ देना। ओके, यू शुड बी मोर अग्रेसिव इन अटैकिंग। ओके यस। ओ प्रिंसिपल साहब, अपना ये जो पट्टा है ना, ये ठंडा डीजल इंजन है, गर्म होने में जरा वक्त लगाता है, लेकिन आपकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, इसे संभाल के रखिए। दो जमकर पड़ गए ना, पुरजे बाजार में नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम तो फट्टे छट्टे चक देंगे, मार के मुका दब देंगे। ये दिया ना हाथ तूने बचित्तर सिंह कोच वाला। बस एक पंच और टिका दे, फिर समझ स्ट्रेचर पर ही डिलीवरी हो जाएगी, होम डिलीवरी। तुसी फिकर ना करो पापा जी, हो जाएगा। खुश किताई। और प्रिंसिपल साहब, आप अपने बछड़े को जरा संभाल के रखिए, हमारा सांड बड़ा भारी पड़ रहा है। Yeah.
राजू का रूप लेके विजय को उसी बॉक्सिंग रिंग में बड़ी आसानी से मार सकता था वसुंधरा, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों? इसलिए कि विजय वो शख्स है जिसने मुझे 11 बजे की जगह 10 बजे नागदा फोर्ट बुलाया, जहां मेरी बर्बादी हुई। वही सबसे बड़ा विश्वासघाती है, इसलिए उसे सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ, सिर्फ मैं मारना चाहती हूँ। विजय, मैंने वो लॉकेट ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझसे कहीं खो गया है। तुम अपना वर्कआउट खत्म करो, उसके बाद तुम और मैं दोनों जाके प्रिंसिपल से दूसरा लॉकेट ले लेंगे। कोई बात नहीं, चैंपियनशिप मैंने दुनिया के लिए जीता है, लेकिन मेरा असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। मैं उसे हराना नहीं, मारना चाहता हूँ। I will kill that bastard. भगवान करे कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ। कहाँ जा रहे हो विजय? क्या हुआ प्रीति, चोर तो नहीं आई? कुछ नहीं, प्लीज यू गो अहेड। विजय कहाँ जा रहे हो? कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अब इंटरेस्टिंग था ये पार्ट, और एंडिंग बड़ा इंटरेस्ट बना हुआ था, पार्ट ही खत्म हो गया। ये जो विजय वाला सीन था, जैसे आत्मा कैच कर ली थी ना, तो मुझे बहुत ऑटोमेटिक हुई चीज हो रही थी। और मैं भी बहुत ज्यादा, किसने कहा से जोश आ गया इतना मार रहा है? पहले मार खा रहा था, फिर अचानक से मारने लग गया, जैसे ऐसा लग रहा था कि जैसे जानबूझ के पहले मार खा रहा हूँ। और सांप कैसे, सांप कैसे बंद कर गया ऐसे पुतले के बीच? अच्छा इतना बड़ा सांप बनता है पूरा बंदे के साइज का, तो वो बड़ा देख के काफी अच्छा लगा। ऐसा नहीं पार्टी वाला, तो गाइस आपको कैसे लगा ये वाला पार्ट? बताइए कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत सारे ख्याल।